पहली चीज तो ये है जी कि एज मुस्लिम्स हमारा ये फर्ज है कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। तो बिलीवर के लिए कोई सिचुएशन भी डिस्पेयर वाली या खराब नहीं होती। अगर आपके ऊपर मुसीबत आई है, आपने सब्र किया है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर अल्लाह ताला का ने आपके लिए कोई अच्छी चीज से नवाजा है आपको, तब भी आप शुक्र अदा करें, तो वो भी तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। एक तो ये है कि डिस्पेयर हमें हमारे लिए वैसे ही मतलब है कि नाजायज है, ठीक है। अब जाहिर है नफसियाती असरात होते हैं, पेंडेमिक ने काफी हमारी लाइफ को इफेक्ट किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अलाइव और देयर इज मच टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। उसमें ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, और उसमें एक तो ऑब्वियसली है कि बिजनेसेस को सपोर्ट करें, दूसरे को सपोर्ट करें, इमोशनल सपोर्ट दें लोगों को। लेकिन उसमें बहुत अहम बात यह है कि जो SOPs वगैरह हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको फॉलो करना भी दूसरों की मदद है। कि अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आई शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट द वायरस, एंड गॉड फॉरबिड इफ आई डू कॉन्ट्रैक्ट द वायरस, देन आई एम मेकिंग श्योर कि मैं उसको ट्रांसमिट ना करूँ। तो ये भी एक सोशल सर्विस है। तो उसमें ये है कि इंशाल्लाह सिचुएशन विल गेट बेटर और रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। अल्लाह ताला को याद रखें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, एक दूसरे के साथ एक जनरल ब्रदरहुड। बिल्कुल सही। और फिर ये है कि आप लोग डेफिनेटली लकी हैं, कनाडा का बहुत अच्छा सोशल मॉडल है, बहुत इन्होंने जेन्युइनली अपनी जो है पॉपुलेशन को सपोर्ट किया है, उनका ख्याल रखा है। और ठीक है उसमें अप्स एंड डाउन शिकवे शिकायत हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स रही है टू द आउटब्रेक, वो सेफ्टी मेजर्स, सपोर्ट टू बिजनेसेस, सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स। अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज एवरी रीजन टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और आई एम श्योर वी वर ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरिंग 2020 ऑल्सो। एज आई सेड कि हम मुसलमान हैं, तो हमारे लिए तो पेसिमिज्म की ऑप्शन है ही नहीं इधर भी। And let's remain optimistic, or inshallah ta'ala, we will get through this.